तोहीन की गई, इनके घर को जलाया गया। अगर ये मान लिया जाए तो अब सवाल पैदा होता है कि जब फातिमा की तोहीन हो रही थी, फातिमा का घर गिराया जा रहा था, तो सवाल पैदा होता है शेरे खुदा कहां थे, बहादुर हैदर कर्रार कहां थे, वो ताकतों वाले कहां थे, अली ने अपनी बीवी फातिमा का हक क्यों नहीं दिलवाया। मेरी माँ पर कोई बोले मैं नहीं ठहरता, तेरी माँ पर कोई बोले तू नहीं ठहरता, किसी और की मां को कुछ कहे वो गैरत और जलाल में आ जाता है। तू हसनैन करीमैन की गैरत पर क्या समझता है कि नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, फिर कहा है तो फिर दिखाओ। अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह अनु के बारे में तो तू कहता है उनके पास जुल्फकार थी, अगर दरवाजा बीवी पे गिर गया था तो वो जुल्फकार कहां थी। जितनी भी जंगें थी मौला की वो वन बाय वन थी, लेकिन अगर पूरा मक्का मदीना अली के खिलाफ हो जाए और मौला तको तनाव, जब इमाम ने कहा था कौन है जो अली का साथ दे तो अली तलवार उठाने के, चार लोग मस्जिद में मौला के पास गए, चार लोग, इमाम ने कहा मैं चार लोगों से जंग कैसे लड़ूंगा, जंगे सिफीन में अगर वन मैन शो करना होता तो मौला पूरा लश्कर क्यों लेकर जा रहे हैं। इमाम फरमाता लोगों का साथ नहीं, मैं जंग कैसे लड़ूंगा। असल है इमामत का साथ देना, वरना मौला अली तो क्या परवरदिगार आलम अगर चाहे तो क्या फिरौन के लश्कर को नहीं उलट सकता था, खुदा चाहे तो आज सारे फिरौनों को खत्म नहीं कर सकता। भाई अल्लाह को वन मैन शो नहीं करना, उसे दुनिया में अगर फतह चाहिए तो लोग लड़ें अपनी फलाह बहबूद के लिए। उस वक्त बेहतरीन काम यह था कि लोगों का असली चेहरा दिखाया, और वो चेहरा दिखाने के लिए बेस्ट ऑप्शन था कि जनाब सैयदा दरवाजे पर, ताकि तारीख में आने वाले लोगों को पता चले इन्होंने नबी की बेटी का भी एहतराम। अगरचे आले हदीस और गुलाम उस्मान ज़हीरी रवायतों को सही समझते हैं और उल्टा वो तावील करते हैं कि इसमें तो हजरत फातिमा की बड़ी शान बयान हो रही है कि भाई खिलाफत के लिए मशवरे हजरत फातिमा के घर होते थे तो जाके हजरत उमर ने धमकी लगाई, वो शान को लेके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हजरत फातिमा को किस कैपेसिटी में हजरत उमर धमकी लगा सकते थे, उनके बाप थे वो, ताया थे, क्या थे, किसी कैपेसिटी में भी नहीं थी बनती। फिर हम तो डंगे की चोट पे कहेंगे कि जो बंदा इस रवायत को सही मानता है उसको मानना पड़ेगा कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा की तौहीन की है और उसकी वजह से रसूलुल्लाह का दिल दुखा है। देखे इख्तलाफ राय अपनी जगह है, इनको पता नहीं कितना खतरनाक खेल खेल रहे। मैंने ये कागज कलम के बारे में साफ कह दिया ना कि हजरत उमर ने जो कुछ किया गलत, इब्ने हजम जैसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी खता की है, उन्हें क्या हक था, हजूर लिखवाना चाहते लिखवाने देते, जो बात सही होगी शाह साहब मैं वो कह दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं, ना मैं परवाह कर लूं। मौला अली कहां थे जब जनाबे जहरा पे दरवाजा गिर रहा था? अली घर में थे। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं मौला अली को बुलाया नबी ने, कहा या अली जिब्रील आए हैं और अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। फरमाया अली तुम्हें अल्लाह ने पैगाम ये भेजा है कि तुम्हारी जौजा पर तुम्हारे सामने हाथ उठाया जाएगा, तुम्हें तलवार नहीं उठानी। रावी कहता है मौला की आंखों में आंसू आ गए और नबी को देख के फरमाया अल्लाह और अल्लाह का नबी जिस पे राजी है उस पे अली राजी है। हजरत उस्मान पर भी हमला हुआ था और हमला करने वाला कौन है? इब्ने अबू बकर। इब्ने अबू बकर ने हाँ हमला किया, उसने दाढ़ी से पकड़ा और खींचा और फिर उसने बाप का वास्ता दिया तो उसने छोड़ दिया, दूसरा आदमी आया उसने हमला करना चाहा तो जोजे उस्मान आगे आ गई और जोजे उस्मान की उंगलियां कट गई। अच्छा आपकी बीवी पर हमला हो रहा है, उंगलियां काटी जा रही हैं, मारा जा रहा है, क्या हो गया था उस्मान की गैरत? हम हमें कहते हैं ना, तो क्या हो गया था? और ये गैरतमंद जिसके पास हजारों की फौज भी है ये तो एक ऑर्डर करे, फिर क्या हुआ? कहते हैं रसूल खुदा ने वसीयत की थी हजरत उस्मान को कि सब्र करना, और ये बहुत बड़ी फजीलत है कि उन्होंने सब्र किया, उनकी जोजा को उनके सामने मारा गया, उन्होंने रसूल खुदा की वजह से सब्र किया। ये जो आपसे कह रहे हैं ना ये कैसे हो सकता है थे? कि अली के सामने ये हो रहा हो और अली कुछ ना करे थे? वो भाई आपके पास आपके ऊपर आ गया, अब आप बताएं आप लोगों की गैरत कहां गई थे? वो क्यों सब्र कर रहा है? कोई रिवायत नहीं है उनकी किताबों में भी कि रिसालत में आपने हजरत उस्मान को सब्र की कोई तलखीन की हो। हम आपको शिया सुन्नी दोनों किताबों से रिवायत ला के दे देंगे जहां रिसालत माँ ने अली इब्न अबी तालिब को सब्र की तलकीन की है। अगर सैयदा कायनात पर इतना बड़ा हमला हो रहा हो तो क्या गैरत अली मुर्तजा गवारा करती है बैठ के घर में तमाचा देखते रहे? उस पूरे वाकया में मौला अली शेर खुदा कहां गए? जो कलिमा गो है वो असहाब जो रसूल खुदा जब वजू फरमाया करते थे तो वजू का पानी जमीन पर गिरने
नहीं देते थे। उसकी बेटी से उनकी रहलत के फौरन बाद ये सितम और ये सलूक हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कुछ ने किया तो बाकी खामोश रहें, ये भी मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम भी यही कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कलिमा गो है। लेकिन ऐसा हुआ है, इसी बात का तो रोना है। आया ये नकल नहीं हुआ, तारीखी किताबों में ये वाकयात नहीं आए, तारीखी किताबों में दर्ज हैं। जनाब सैयदा का खुतबा ऐनन ये मौजूद है, फरीकैन में मौजूद, सुन्नी शिया दोनों ने इसे नकल किया है। आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तमाम उम्मतों में ये काम हुआ है। बनी इसराइल को विजुअल मौजजात मिले थे, उन विजुअल तमाम मौजजात को देखने के बाद जब हजरत मूसा 30 दिन के लिए गए, 30 दिन बाद वापस नहीं आए, 31वां दिन 32वां दिन ये सब के सब मुशरिक हो गए, गौशाला परस्त हो गए। हजरत मूसा के सारे असहाब ये सारे मौजजात देखने के बाद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है।